We have to integrate the function which is sin x plus cos x divided by square root of sin 2x between the limit pi by 6 to pi by 3. So let's see how we will solve this problem. तो इसके लिए सबसे पहले मैं गिविन फंक्शन को आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिस पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है. दिस इज आई इज इक्वल टू द लिमिट इज बिटवीन पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन. इन द न्यूमरेटर यू हैव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ टू एक्स इन टू डी एक्स के. अब देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन आपको नजर आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके जनरेट होता है. तो अभी अगर अपन बात करें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की, लेट ये मेरे पास एक फंक्शन है और इसको मैं टी लेट कर रहा हूँ. लेट द फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी. अगर मैंने इसको टी लेट किया है तो आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, जिसके बाद ये प्लस बन जाता है. तो दैट विल बिकम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी टी के. तो एक ये पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए. दूसरा देखिए न्यूमरेटर में जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है उसको तो आप इजिली डी टी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन डिनोमीटर में एक साइन टू एक्स भी नजर आ रहा है तो इसके लिए भी हमें कुछ मैनिपुलेशन करनी होगी. और इसके लिए मैं ये जो इक्वेशन है, लेट दिस इक्वेशन इज योर वन, हम लोग इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं. अगर मैं गिवन इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर करता हूं तो देखिए ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स इन टू कॉस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू टी ऑफ स्क्वायर के. अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पे अगर अपन कमेंट करें तो ये वन होता है. इसको हम लोग साइन ऑफ टू एक्स लिख सकते हैं बिकॉज साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड दिस डाटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर के. और वी कैन राइट इट साइन टू एक्स, इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर के. अब जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं इन सारे चेंजेस को मैं क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन था I is equal to integral of. अभी एक काम और बाकी है, हमें फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपने x को t में कन्वर्ट कर लिया है. जब आपने x को t में कन्वर्ट कर लिया है तो सबसे पहले मैं फंक्शन की लोअर लिमिट पे कमेंट कर रहा हूँ. अगर हम लोअर लिमिट पे बात करें तो फंक्शन की लोअर लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये जो x है, ये यहाँ जितने भी x आपको नजर आ रहे हैं इस प्लेस पे हमें डालना पड़ेगा पाई बाय सिक्स. तो साइन पाई बाय सिक्स वी हैव डेट इज वन बाई टू, दिस इज वन बाई टू. और कॉस पाई बाय सिक्स की बात करें डेट इज रूट थ्री बाई टू. सो दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन. सिमिलरली अगर मैं अपर लिमिट पे कमेंट करूं, अपर लिमिट अगर हमें इसका निकालना है तो अपर लिमिट के लिए मुझे एक्स की प्लेस पे पाई बाय थ्री से रिप्लेसमेंट करना होगा. और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो फर्स्ट टर्म बनता है यहाँ पे साइन पाई बाय थ्री, तो डेट इज रूट थ्री बाई टू, दिस इज रूट थ्री बाई टू. और cos pi by 3 this is minus 1 by 2 के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये लिमिट वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा. फंक्शन की लोअर लिमिट हमारे पास है 1 by 2 minus root 3 by 2 से और अपर लिमिट है root 3 by 2 minus 1 by 2. सो नाउ वी कैन चेंज द क्वेश्चन. अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले लोअर लिमिट डाल देते हैं, दिस इज 1 minus root 3 by 2 और अपर लिमिट ऑफ द फंक्शन हमारे पास है 1 plus रूट थ्री बाई टू के. तो डेट इज वन माइनस रूट थ्री माइनस वन बाई टू, इट इज नॉट द अपर लिमिट. अपर लिमिट को हमें डालना पड़ेगा डेट इज रूट थ्री माइनस वन बाई टू के. तो ये फंक्शन की लोअर लिमिट, ये फंक्शन की लोअर लिमिट और ये फंक्शन की अपर लिमिट है. और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स को जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आपको डी टी से रिप्लेस कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास डी टी आ जाता है और डिनोमीटर की बात करें so this is root of sine 2x जिसको आप लिख सकते हैं 1 minus t square के. तो मैं भी expect कर रहा हूं कि ये line आपको comfortably समझ में आ गई होगी. अब चलिए आगे बात करते हैं. In the next step we can write i is equal to integral of. अब देखिए ये जो lower limit है इसमें से मैं minus common ले लेता हूं तो ये बन जाता है root 3 minus 1 by 2 के. ये function की lower limit है.
अपर लिमिट आपके पास है रूट थ्री माइनस वन बाई टू, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द फंक्शन, ये डी टी है और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर के। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जिस फंक्शन पे आप वर्क कर रहे हैं वो एक इवन फंक्शन है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा, मैं स्टिल मेंशन कर देता हूँ कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स के इफ इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। मतलब इफ द गिविन फंक्शन इज इवन फंक्शन, अगर आपके पास गिविन फंक्शन इवन फंक्शन है जो कि ये है विच इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, एक इवन फंक्शन है वो आप अलग से चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो आप फंक्शन की लिमिट को हाफ कर सकते हैं और बाहर आपको टू टाइम्स यूज करना पड़ेगा। मीन्स हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं i इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ लिमिट इज बिटवीन जीरो टू रूट थ्री माइनस वन बाई टू, रूट थ्री माइनस वन बाई टू एंड द फंक्शन इज डी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर के। तो देखिए अभी ये काफी आसान सा डाटा हमें नजर आ रहा है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे एक और रिजल्ट की हमें जरूरत होगी कि अगर आप डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, या चलिए इसको एक्स कर लेते हैं, दिस इज डी एक्स, डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सो दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स टी। और अभी आपको क्या करना है, पहले लोअर लिमिट सबमिट करनी है फिर अपर लिमिट सबमिट करनी है, सो द लिमिट इज बिटवीन जीरो टू रूट थ्री माइनस वन बाई टू। अब अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन बाई टू माइनस साइन इनवर्स जीरो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन वर्स जीरो जीरो के बराबर होता है, तो फाइनली यू कैन कमेंट आई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन बाई टू, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग क्वेश्चन।